तो इसका ऑयल और फिल्टर चेंज होने वाला है, तो मार्केट से पहले सर हम ये ना करवा लें? नहीं नहीं सर। तो सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ और आपकी वीडियो लाइक भी करता हूँ, नेक्स्ट टाइम भी करते रहेंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। इधर आओ ना सर, तुम किधर जा रहे हो? तुम भी तो साडे फैन हो। हां जो शॉपिंग है उस पे हम आपको लेके जाएंगे। मैं पूछवा लेता हूं अब। हां आप पूछवा ले यार, दो बड़ी अच्छी सी चाय तो पिला दे हमें। पिला देते हैं सर अभी। मजा आ जाए हैं इंशाल्लाह। इसको जरा कहना जरा स्पेशल हो। अगर आप व्लॉग को एंजॉय करना चाहते हैं पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे इन बीमारी वाले दिनों में। तो इस वक्त भी 4 बज गए हैं और तकरीबन कैंपस ऑफ होने में भी कुछ टाइम है, तो हम थोड़ा सा आउटिंग के लिए निकलने जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने जाना है गाड़ी का ऑयल और फिल्टर वगैरह चेंज करवाना है, और इसके अलावा और भी छोटी मोटी शॉपिंग करनी है। हम भी अभी आए हैं जनाब पिक्स बना के। मुनीर साहब हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन चलता रहता है। बड़े अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। और जो है ना बड़े एफिशिएंट हैं और चीज़ें माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ सीख रहे हैं जी। तो आगे आने वाले दिनों में एक ब्लॉग इनके साथ भी होगा, इनकी फोटोग्राफी स्किल जो है ना आपके साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। आपको वक्तन फ़क्तन अच्छी अच्छी फ़ोटो मिलेंगे। मैं इनको ज़रा अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे अटेंडेंट लोग हैं, चौकीदार हैं, प्रोटेक्शन के लिए ये खड़े हैं और इनको अप्रिशिएट नॉर्मली हम नहीं करते, लेकिन ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। एनीवेज जी, आज कोई ख़ास काम नहीं है। अगर आप व्लॉग को एंजॉय करना चाहते हैं पॉपकॉर्न्स लेके बैठ जाएं, कुछ स्पेशल नहीं होने वाला, बड़ा एक कई किस्म का व्लॉग होगा इंशाल्लाह। चूँकि मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं तो इनको चाय पिलानी चाहिए और ताकि इनकी बैटरी चार्ज हो जाए। सिटी में कुछ काम करने हैं, तो सिटी में काम करने से पहले अभी थके हुए थे, तो थके होने के बाद हमने ये सोचा कि एक अच्छी सी चाय पीते हैं और इसके बाद जो छोटे मोटे काम हैं वो करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो सोचा ये कि आपको भी दिखाते हैं कौन कौन से छोटे मोटे हमारे काम हैं। एक प्रोफेशनल होना और प्रोफेशन के साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मेनटेन करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। ख़ास तौर पर आप लोगों से कनेक्शन बनाना, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना, ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि सोचना, टाइम निकालना, शूट करना, एडिट करना, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको तो बस 5-10 मिनट की एक वीडियो नज़र आ रही होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही होती हैं ना उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। हम खान होटल पे आए हैं, यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो हमने कहा थोड़ा सा अपनी बैटरी को चार्ज किया जाए। कैमरे की बैटरी तो चार्ज है, लेकिन ये कि अपनी बैटरी चार्ज करना और माइंड को पीसफुल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक जो व्लॉगर की जो लाइफ होती है ना उसमें कैमरे का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा मेन टूल कैमरा होता है, तो कैमरा जिस दिन हम भूल आते हैं और जिस दिन सीन बहुत अच्छे मिलते हैं तो उस दिन ना एक काफ़ी किस्म का पछतावा होता है कि यार आज बहुत अच्छे सीन थे मिस हो गए। जैसे कि ये सीन अभी आप देखिए, मैं डॉक्टर साहब से यही बात कर रहा था कि काम चेक करें कि मैं, वैसे तो मुझे शौक है लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में इतना वो जम जाता हूँ कि मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने कैमरा कैरी करना है ना। तो बेसिकली दिस इज़ अ लिटिल बिट कंपटीशन बिटवीन आवर प्रोफेशनल लाइफ एंड आवर हॉबी और पैशन। टाइम मैनेजमेंट जो हम सीख रहे हैं ना, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमने शायद उस मोमेंट को ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर दिया था और हमने कैप्चर ही नहीं किया ना, इसको व्लॉग ही नहीं बनाया ना। वो इतना प्यारा मौसम बन गया और इतना मज़ा आया, हमने उसको कैप्चर ही नहीं किया। फिर बाद में खैर हमें अफसोस भी हुआ कि हम क्यों ना आप लोगों से भी वो बात कर लेते कि कितना प्यारा मौसम है और हम कैसे इंजॉय कर रहे हैं कैंपस में। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि सम टाइम हमें चीज़ों को इंजॉय करना भी चाहिए, सिर्फ एक्सपीरियंस करना भी सम टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि उसको रिकॉर्ड करना। जब हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं हो रहा होता हमारा, हमारा फोकस होता है कि इन चीज़ों को बस रिकॉर्ड करें, साथ में एक्सपीरियंस भी चल रहा होता है। लेकिन जब कैमरा नहीं होता तब टोटल एक्सपीरियंस चलता है। तो खैर ये चीज़ें साथ साथ हैं, ये तो एक दिन की बात नहीं है। एनीवेज जी सर, यार दो बड़ी अच्छी सी चाय तो पिला दे हमें। पिला देते हैं सर अभी। मज़ा आ जाए हैं इंशाल्लाह। इसको ज़रा कहना ज़रा स्पेशल हो। स्पेशल आएगी सर।
मजा आएगा। सेटअप तो इनका बहुत सिंपल है, हम पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे आए थे और खाना खाया था, तब मैं पहली दफ़ा इस ढाबे पे आया था और बड़ा मज़ा आया था। वो देसी रोटी वाला व्लॉग अगर आपको नहीं याद तो ऊपर जो कार्ड आ रहा है उसको क्लिक करें और कुछ देखें, वो हमारा पहला व्लॉग था जो शूट हुआ था। तो अक्सर मैं यहाँ पे आता हूँ चाय शाय के लिए, चाय एकदम कड़क और बहुत मज़ा आया। और मुझे मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी कैसे ले आते हैं, पता नहीं बना के रखी होती है, लेकिन वो फ्रेश भी बहुत ज़बरदस्त थी और उसने 2 मिनट में चाय हाजिर कर दी है। बड़े प्रोफेशनल हैं ये। जी सर, चाय नहीं तो यूँ समझ लें कि दिमाग की बत्तियाँ जो हैं वो सारी ऑन करनी है। तो अब चलते हैं सर सिटी में, छोटे मोटे जो काम है वो करते हैं और फिर कैंपस आके बैग शैग उठा के पूछ सकते हैं। लेट्स गो। लेडी, हम फ्रेश होके दोबारा शहर की तरफ रवा दमा। तो आज कुछ शॉपिंग के मूड में हम, आजकल चूँकि टाइमिंग थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, 6 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं, इसलिए हम थोड़ा सा कैंपस टाइम में ही निकल आए हैं। ये अंकल पिछली गाड़ी पे थे, वो थोड़ा सा वो नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने कि ये लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं और रास्ता नहीं दे रहे, हालाँकि हमने तो रास्ता दिया। तो अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे याद आया कि गाड़ी तो काफ़ी उसका मीटर काफ़ी चल गया है, तो इसका ऑयल और फिल्टर चेंज होने वाला है। तो मार्केट से पहले सर हम ये ना करवा लें? नहीं नहीं सर नहीं नहीं, डेफिनेटली ये करवाएं जनाब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है गाड़ी जो है ना उसका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और इटसेल्फ यार, दो बड़ी अच्छी सी चाय तो पिला देते हैं सर, अभी मज़ा आ जाए इंशाल्लाह। देख के यार ध्यान से यार, मुल्क के असासे बैठे हुए हैं दो। ऑयल चेंज करने के लिए जनाब कारीगर और इनके जो बच्चे हैं ये ऑयल चेंज कर रहे हैं। मुजाहिद साहब ये दूर बैठे हैं मज़े से, साथ में भाई जान कुछ इंजन के कुछ पार्ट साफ़ कर रहे हैं। बहुत जल्दी से ये इंजन को ऑयल चेंज करेंगे, बड़े एक्सपर्ट्स हैं ये। जैसे ही इंजन का ऑयल चेंज होता है ये ट्राई लेंगे, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। अच्छा ये जी, हमने प्लग भी साफ़ करवा लिया है और एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर सारा चेंज करवा लिया है। तो ये भाई साहब बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, ये काम कर रहे हैं। तो ये एयर फिल्टर कितनी देर बाद चेंज करवा लेना चाहिए? 34 सर्विस के बाद ये ऑयल चेंज हो गया है और बस मुजाहिद साहब उनके पास गए हैं फाइनल पेमेंट करने और उसके बाद बस हम बाज़ार के लिए निकल रहे हैं। आजकल ये है कि मौसम थोड़ा अंगड़ाई ले रहा है, जो लेट स्प्रिंग सीज़न होता है ये भी बड़ा रोमांटिक किस्म का हो जाता है, नींद ज़्यादा आती है और बड़ी सुकून की नींद आती है, इनको पसीना आता है और रात थोड़ी ठंडी हो जाती है, लेट नाइट काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो आजकल का मौसम जो है ना, ये दिस इज़ बेसिकली माई फेवरेट सीज़न, इसमें जो है ना ही गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, आप एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के ट्रांजिशन फेज़ में होते हैं सर्दियों से गर्मियों में जाते हुए। तो हमारा आज की एक्टिविटी का दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ये जी मुझे सब आ गए हैं गाड़ी का सारा काम करवा के तसल्ली से। सर कितना खर्चा हो गया और क्या क्या करवाया आपने? सर तकरीबन 3000 जो है वो खर्चा हो गया और इसका मैंने कोई ऑयल चेंज करवाया और ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर नहीं किया उन्होंने, उसको सिर्फ साफ किया उसने। हाँ, उसको वो हवा से जो है वो एयर से प्रेशर से वो प्रेशर से उसको ना नीट किया वो कर लिया। ओके। और बाकी रेडिएटर में वो पानी होता है जो कि इंजन को वो कूल करता है, तो वो भी मैंने बोतल ले लिया घर जाके, फिर मैं उसको वो रेडिएटर में ओके डाल दूंगा। और आपने कूलेंट लिया? बेसिकली कूलेंट लिया। वेरी गुड। बहरहाल जी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त हो गई है। गाड़ी की हेल्थ जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है और मेरा ख्याल है जब गंदा गाड़ी रखता है ना तो तकरीबन 50% टेक्नीशियन तो वो खुद भी बन जाता है, खुद भी बन जाता और बनना पड़ता है। और इससे पहले क्योंकि मैंने एक पुरानी गाड़ी रखी हुई थी
तो तकरीबन आधा मैकेनिक तो मैं बन गया था। चलें जी, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हम बाजार जा रहे हैं। मेरा ख्याल है एक्टिविटी कोई नहीं है, हम जा रहे हैं वापस कैंपस। कैंपस से जो है वो फिर वापस घर चले जाएंगे। ये वाली जो शॉपिंग है वो अब पेंडिंग हो गई है। रियली? जी। तो मैंने तो यार सारे ऑडियंस को बताया कि इसके बाद हमने शॉपिंग करनी है। ऑडियंस, हेलो डियर ऑडियंस, जो शॉपिंग है उस पे हम आपको लेके जाएंगे। मैं छुपा लेता हूँ। हाँ, आप मुँह छुपा लें। जो शॉपिंग है उस पे हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले कैंपस में सर इस वक्त बहुत प्यारा व्यू होता है। कैंपस में जाके बातचीत करें फिर। कैंपस में जाके चलें, वो शॉपिंग का इवेंट जो है ना नेक्स्ट एपिसोड पे रखते हैं। हाँ, तो अभी हम वापस कैंपस लेके चलते हैं। ये जी मुजाहिद साहब एक कुल्फ़ी पॉइंट पे लेके आए हैं। ये है मुल्तानी स्पेशल कुल्फ़ी। तो ये इनकी काफ़ी फ्रेंचाइज मैंने देखे हैं, ये छोटे छोटे ठेले हैं तो, लेकिन ये बंदा बैठा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब ये भी मेरा हाल है, ट्विस्ट आ गया, ये भी पेंडिंग हो गया प्रोजेक्ट। अब प्लान सी पे चले गए हम। प्लान सी का मतलब है खज्जल खुआरी। ये जी हम कैंपस एंटर हो रहे हैं और कैंपस एंट्रेंस पे बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एहसास हुआ है। थोड़ा सा ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर डाउन फील हुआ है और गहमा गहमी ख़त्म हो चुकी है, स्टूडेंट्स घरों को जा चुके हैं। लें जी हम कैंपस में आ चुके हैं वापस और करने को हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वीलॉग हमारा ये लेंथी हो गया है। शबीर साहब को हमारी वीडियोस पसंद हैं? तो सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। okay. और आपकी वीडियो लाइक भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम भी करते रहेंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह इधर आओ ना सर, तुसी किधर जा रहे हो? तुसी भी तो साडे फैन हो। सर जी मैं हैरान हूं, तुसी बड़ा अच्छा कंटेंट दितो है इनानु। केड़ा उठे बैठ के अखबार पढ़ रहे ने ते कोई एक स्किट सी। हां वो शायद तुसी कमाल कर दित्ता सर। तो शफीक साहब आए हैं और अपना काम शाम करने के बाद तो थके हुए लग रहे हैं जी। अभी हम कैंपस में वापस पहुंचे हैं और यहाँ पर तकरीबन सभी लोग जा चुके हैं। कुछ चीदा चीदा मेहनती लोग अभी यहाँ पे हैं। डॉक्टर शफीक साहब भी वाइंड अप करके आ गए हैं और बस जो है ना चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और बड़ा एक नेचुरल एटमॉस्फियर जो है ना कैंपस में क्रिएट हो गया। तो क्या प्लान है बॉस? सर बस अभी साइन आउट करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगले एपिसोड में मिलते हैं नई एक्टिविटीज़ के साथ। आज की एक्टिविटी तो गाड़ी के नाम होगी ये।